श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीर सिंह नवी नवल से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 जो अभी अप्रैल और से लेकर के मई तक होने वाले हैं, और जिसकी आज हम रामटेक लोकसभा क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं। जी हां, रामटेक लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी और शिवसेना की युति में जो खासदार पद के लिए अधिकृत उम्मीदवार हैं, जिनका नाम है कृपाल तुमाने, और उसी के साथ हम कांग्रेस की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कृपाल तुमाने जी की। तो आज हम कृपाल तुमाने जी की कुछ ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो उनकी ताकत है, और कुछ ऐसी भी बातों के बारे में जानेंगे जो उनकी कमजोरी है। अक्सर ऐसा होता है कि जो खासदार होते हैं, एमपी होते हैं, वो एक बार इलेक्शन लड़ने के बाद जनसंपर्क में आ नहीं पाते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में उनका दौरा बेहद कम होता है। अगर हम रामटेक लोकसभा क्षेत्र के इससे पूर्व जितने भी सांसद रहे उनकी बात करें, तो उनके कंपेयर में कृपाल तुमाने जी पिछले 5 वर्षों में जो जनसंपर्क रहा है वो अधिक रहा है। दूसरी खास बात ये, उनका व्यवहार सिंपल है, उनका लाइफस्टाइल सिंपल है, उन्हें कोई घमंड नहीं है, उन्हें कोई ईगो नहीं है, और ख़ास बात ये कि उन्हें पद का कोई नशा नहीं है। और इस बीच सबसे बड़ी अगर ताकत की हम बात करें, तो जो 2014 में एक बार जो हुआ था नरेंद्र मोदी जी की जो लहर थी, वो लहर फिर से एक बार शायद 2019 में कायम है, और ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा और बड़ी ताकत कृपाल तुमाने जी के लिए यहाँ पे उभर कर आ सकता है। और उसी प्रकार हम अगर कृपाल तुमाने जी की हम कमजोरी की बात करें, तो इनकी कमजोरी क्या रही है? सबसे बड़ी कमजोरी इनकी जो रही है, वो सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि अपने कार्यों की जो पब्लिसिटी है वो नहीं कर पाए हैं। इनके द्वारा जो भी बड़े काम इनके संसदीय क्षेत्र में किया गया होगा, उन बड़े कामों को जनता तक पहुंचाने में असमर्थ रहे हैं। ये एक कमजोरी कृपाल तुमाने जी के सामने है। दोस्तों, उसी प्रकार अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस के लिए सबसे एक बड़ा चेहरा जो रामटेक लोकसभा क्षेत्र के लिए है, वो है मुकुल वासनिक जी का। तो मुकुल वासनिक जी का सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उनकी जो ताकत है, उनके जो फायदे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मुकुल वासनिक और कांग्रेस कैसे उनके लोग वोट ले सकते हैं। मैं उस ताकत के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। कांग्रेस की एक ताकत है दलित, मुस्लिम, और परंपरागत तरीके से जो वोट अभी तक कांग्रेस को मिलती आई है, उस तरीके से कुछ वोट कांग्रेस को मिल सकते हैं। दूसरी कि वर्तमान में जो सांसद हैं, और अभी फिर से जो उनके अपोजिशन में सांसद के लिए खड़े हुए हैं उम्मीदवार, उनकी बुराई करके कुछ वोट वो बटोर सकते हैं। और एक और उनके ताकत और फायदे की हम बात करें कांग्रेस की, तो प्रस्तापित जो नेता होते हैं कांग्रेस के अलग अलग क्षेत्र में, उन प्रस्तापित नेताओं द्वारा भी कुछ वोट लिए जा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कांग्रेस की कमजोरी की। मुकुल वासनिक जी इससे पहले रामटेक लोकसभा क्षेत्र के एमपी रह चुके हैं, और एमपी रहने के बाद उनका जो जनसंपर्क है वो बेहद बेहद कम रहा है। और दूसरी कांग्रेस की जो सबसे हम एक कमजोरी की बात करें, तो कांग्रेस के बीच में जो गुटबाजी चल रहे हैं, आपस में ही जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और आपस में ही जो गुटबाजी चल रहे हैं, वो सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए इस चुनाव में साबित हो सकता है। और ऐसे हालात में 15 दिन के अंदर जोरों शोरों से और एकता के साथ प्रचार कर पाना ये असंभव है। और यदि हम किशोर गजबीय जी की बात करें, तो भले ही ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन जनसंपर्क इनका बेहद कम रहा है, और एक नया नाम, एक नया चेहरा रामटेक लोकसभा क्षेत्र के लिए किशोर गजबीय जी का है। और सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है, किशोर गजबीय जी को भी रामटेक लोकसभा के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, और ना ही उन्हें ठीक से अपने कार्यकर्ता के भी नाम पता है, और ये एक बड़ी समस्या और बड़ी कमजोरी कांग्रेस के लिए साबित हो सकती है। अगर हम दोनों पार्टी के बीच अगर हम प्रधानमंत्री पद के बारे में अगर हम बात करें, तो जो दोनों के जो पीएम कैंडिडेट की अगर हम बात करें, तो उसमें एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को इससे हो सकता है, क्योंकि जो भी है वो एक अपने नेता को देखते हैं और किसे पीएम बनाना है उसे देख कर के भी वोट देते हैं। लेकिन इसमें भी कांग्रेस को मुझे लगता है कि बेहद नुकसान झेलना पड़ सकता है। मतलब फ़िलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि अगर भाजपा के साथ गठबंधित शिवसेना के अधिकृत उम्मीदवार कृपाल तुमाने जी यहाँ पे थोड़े मजबूत नज़र आ रहे हैं कांग्रेस के कंपेयर में।
तो दोस्तों ये एक फ़र्क साफ जो जनता के मन में है और वो हमने आपके सामने बताया है, और इसी प्रकार आगे भी जो MP होंगे यहाँ से उसके बारे में बात करेंगे, उनके पार्टी के बारे में बात करेंगे, और आने वाले समय में हम कैंडिडेट्स की डिटेल भी कुछ अहम जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। और उसके लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि रामटेक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आते और 6 विधानसभा के लोग इस वीडियो को देख सकें। इस प्रकार से शेयर कीजिए। मैं आपका दोस्त वीर सिंह, नवीन आवाज़।